सम्मोदमान जातक, सम्मोदमान जातक नंबर 33। जातक कथाओं में ये जो जातक कथा है, ये जो आज की डेट में जो समाज अहंकार से बंधे हुए होते हैं और जो समाज अहंकार में पलते हैं उनका किस प्रकार नुकसान होता है, ये कहानी उसको बताती है। एक चिड़ी मार होता है। चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मार के या चिड़ियाओं को पकड़कर और बेचकर उसका जो आजीविका है, जो उसका रोजी रोटी है, जो उसका घर का खर्च है, वो चलता है, वही उसका काम है। तो ये जो चिड़ी मार है ये बड़ा दिमाग का तेज है, बड़ा बहुत बुद्धिमान है। इसको पता है कि चिड़ियों को कैसे पकड़ना है। तो ये पहले उनकी भाषा समझता है, उनकी भाषा को पढ़ता है, उनकी भाषा की जानकारी लेता है, फिर उनकी भाषा पकड़ के चिड़ियों की भाषा समझता है कि चिड़िया क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। चिड़ियाओं की भाषा समझने के बाद में फिर वो चिड़ियाओं की बोली में बात करता है और चिड़ियाओं को भ्रम में, अंधविश्वास में डाल के, चिड़ियाओं के बीच में रहकर, उनके पेड़ों के बीच में रहकर उनको बुलाता है, इकट्ठा करता है, उनको लालच देता है, उनको दाने का, खाने का, पूरी सब्जी का लालच, खाने का लालच, पानी का लालच, पैसे का लालच, शराब का लालच, इस तरह के लालच जैसे मनुष्य होता है वैसे चिड़ियाओं को खाने के लालच देता है, या पोजीशन का, या मान का, या सम्मान का, बहुत सारे लालच। चिड़िया जब उसका दाना चुगने के लिए, यानी लालच का दाना चुगने के लिए आती हैं, तो वो ऊपर से जाल फेंकता है और जाल में चिड़िया फंस जाती हैं। फिर वो उन चिड़ियाओं को सबको लेके जाता है और शहर में जाके उनको बेच देता है और दिन दूनी रात तक की करता हुआ, माला माल होता हुआ, वो घर और महल चौबारे बना लेता है। चिड़ियाओं में एक बहुत समझदार चिड़िया थी जो बहुत ज़्यादा जानकार थी। उसने सभी चिड़ियाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो तुम सब मारे जाओगे, ये चिड़ी मार इसने ऐसा भ्रम फैलाया हुआ है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये रोज़ लालच का दाना फेंकता है, ये रोज़ आपको मीठी मीठी बातें करता है और रोज़ पकड़ के ले जाता है। इससे बचने का तरीका ये है कि जब ये भ्रम फैलाए और आपको इकट्ठा करे तो आप जाल में से मुंह बाहर निकाल के एक साथ उड़ जाना और जाल को ले जाके जो बेरियों की झाड़ी होती है उस झाड़ी पर टांग देना। जाल ऊपर टंग जाएगा, आप नीचे से रह जाओगी, फिर अपना सर निकाल के वहाँ से उड़ जाना जब भी जाल वो फैलाए। चिड़ियों ने उसकी बात मानी और चिड़ी जैसे ही उसने जाल फेंका, चिड़िया ने अपना सर बाहर निकाला और चिड़िया जाल को लेके उड़ गई और बेरी के पेड़ पर जाके उसने, उन्होंने सबने जाल को एक तरह से उतनी और वहाँ से अपने गर्दन निकाल के अपने अपने घोंसलों में वापस आ गई। जो चिड़ी मार था वो पीछे दौड़ता दौड़ता गया और वहाँ जाके उसने देखा कि खाली जाल है। जाल को बेरियों से निकालने में वो लहूलुहान हो गया, परेशान हो गया, उसका दिन खराब हो गया। वो घर वापस आया खाली हाथ और अब उसका रोज का यही दिनचर्या हो गई कि उसके हाथ कुछ ना लगे और वो रोज़ जाल को कांटों से निकाले और रोज़ लहूलुहान हो जाए। उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसके जो घर में उसकी पत्नी थी उसने कहा, क्या बात है, क्या किसी दूसरे का घर पाल ले हो, कहीं और आपका चक्कर चल रहा है जो आजकल घर में पैसे ले लेकर नहीं आते। उस चिड़ी मार ने कहा कि मैं क्या बताऊँ, सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होकर एक मत में एक समान हो गई हैं और वो मेरा जाल लेकर उड़ जाती हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, तो फिर क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं इनमें फूट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इनमें फूट पड़ जाएगी तो इनमें अहंकार आ जाएगा और अहंकार आने के बाद में फिर ये मेरा जाल नहीं लेके उड़ पाएंगी, ये आपस में ही लड़ेंगी और मैंने फिर दोबारा से पकड़ लूँगा। उसने वहाँ चिड़ियों की आवाज़ वो जानता था। एक चिड़ी दूसरी की चिड़ी के ऊपर से कूद के दाना खाने लगी तो उसने चिड़ियों की आवाज़ में ऐसा भ्रम पैदा किया कि जो चिड़ी कूदी है जिसके ऊपर से, उसने कहा कि तू मेरे ऊपर से क्यों कूदी और क्या तू समझती है कि जाल को तू ही उड़ाती है, क्या तू बहुत बड़ी हो गई है, क्या तू पूरी चिड़ियाओं में सबसे ज़्यादा आगे है। वो जो चिड़िया थी, चूँकि उसने कुछ ऐसी मनोभाव से कहा नहीं था, उसको बुरा लगा, दोनों में अहंकार पैदा हो गया और उन दोनों के जो सपोर्टर थे वो दोनों तरफ में आ गए और खेमा जो था चिड़ियाओं का दो भागों में बट गया, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। चिड़ी मार ने जाल फेंका और चिड़ियाओं को पकड़ लिया। चिड़ियाँ अपने झगड़े में ऐसी उलझी हुई थी कि उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों उड़ाएं, ये ज़्यादा बनती है, ये ज़्यादा बनता है तो ये उड़ाए। दोनों आपस में उलझी रहीं और चिड़ी मार उनको इकट्ठा करके बाजार में ले जाके बेचने दिया। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अहंकार जो चिड़ियाओं में आया और एक झूठा अहंकार जो उनके शत्रु ने पैदा किया जो उनमें खुद भी नहीं था, उसकी वजह से उनके सारे के सारे चिड़िया पकड़ी गईं और जो समझदार चिड़िया थी जिसने उनको पहले समझाया था वो अपने समझदार साथियों को लेके उस जगह को छोड़ के
चली गई। ये जो जातक कथा है ये आपने बहुत जगह सुनी होगी, जहाँ छोटे से हिस्सा बताया जाता है कि चिड़ियाँ सारे कबूतर सारे जाल को लेके एक साथ उड़ गईं और चिड़ी मार देखता रह गया या बघेल देखता रह गया। ये जातक कथा वहीं से आई हुई है, यानी जो बौद्धों की जातक कथा है, जो बुद्ध जातक कथाएँ हैं या धम्म जातक कथाएँ हैं, ये उन्हीं में से कहानियाँ पूरी दुनिया में बनाई गई हैं। तो इस प्रकार वो जो चिड़ियाँ हैं वो सारी की सारी फंस गईं, जो आज की तारीख में बहुत सारी जगह पूरी दुनिया में देखा जाता है। यही इस कथा का सार है, अर्थ है कि अहंकार अगर करेंगे तो आप कितने भी हैं आप मारे जाएंगे। धन्यवाद।